आज हम जो आजाद हैं, आज हम जो आजाद हैं, ये एक दिन की नहीं बात है, ये लंबी एक कहानी है जो आज तुमको याद दिलानी है। कहानी की नायिका थी हमारी माँ भारती, जो सदा से ही सोने की चिड़िया कहलाती थी। थी धन धान्य से भरी, खेत खलिहानों से हरी भरी, पर आया एक ऐसा समय, झूठ छल गुलामी के बादलों का छाया प्रलय, अंग्रेजी हुकूमत ने पैरों तले माँ भारती के रौंदे गले। चारों तरफ हाहाकार था, गरीबों पे अत्याचार था, टूटती उम्मीदें और करुण चीख पुकार था। राज्य छिन गया कहीं, कहीं अन्न भी छिन गए, राज्य छिन गया कहीं, कहीं अन्न भी छिन गए, खुलकर जीना तो दूर है, मृत्यु की स्वीकृति पर भी ताले लग गए। पर दबी चिंगारी एक दिन भीषण अग्नि रूप लेती है, लाख लगे बंदिशें पर दास्ता की जंजीरें कब तक टिकती हैं। संसंतावन का वर्ष भी कुछ यूं आकर हुआ खड़ा, संसंतावन का वर्ष भी कुछ यूं आकर हुआ खड़ा, शोषित विचारों के हृदय में प्रतिशोध दीपक जल पड़ा। नाना साहिब से रानी लक्ष्मी तक माँ के सारे सपूत अब डट गए, मेरठ से प्रारंभ इस महायुद्ध के साक्षी चांद तारे सब बन गए। एकता की शक्ति का अंदाजा अब लग चुका था, एकता की शक्ति का अंदाजा अब लग चुका था, अंग्रेजी हुकूमत के पैरों तले जमी भी कुछ खिसक चुका था। हुकूमत समझ रही थी ताकत एकजुट की, इसलिए राज करने के लिए अब अपनाई नीति उन्होंने फूट की। 1905 में विभाजित किया बंगाल को बंगाल से, पर बांट ना सके हिंदू को मुसलमान से। राखियां बांधी गई, स्वदेशी का हुआ प्रचार, खादी को अपनाकर विदेशियों का किया बहिष्कार। फिर तो मानो बढ़ गए आंदोलनों की रफ्तार, चंपारण से असहयोग तक हो गया अहिंसा का प्रचार। एक ओर अहिंसा साथ थी तो दूसरी ओर माँ के गर्म सपूत भी, एक ओर अहिंसा साथ थी तो दूसरी ओर माँ के गर्म सपूत भी, नेता सुभाष आजाद थे तो साथ सहदेव और सिंह भगत सभी। अपने प्राणों की आहुति दे माँ का शीश ऊंचा किया, अपने प्राणों की आहुति दे माँ का शीश ऊंचा किया, वो भारती के सच्चे पुत्र थे, अपने लहू अर्पित कर साबित किया। आखिर दिला मुक्ति हमें आजाद हमको कर गए, आखिर दिला मुक्ति हमें आजाद हमको कर गए, वतन कर हमारे हवाले शहीद तिरंगों में लिपटे चल दिए। आखिर इनके ही वो बलिदान थे कि आज हम आजाद हैं, आखिर इनके ही वो बलिदान थे कि आज हम आजाद हैं, ये एक दिन की नहीं बात है, ये सन 47 की याद है, आज हम जो आजाद हैं, आज हम जो आजाद हैं। जय हिंद, धन्यवाद।